ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश कांग्रेस सचिव विनोद सुल्तानपुरी ने कसौली निर्वाचन क्षेत्र में हुई नियुक्तियों पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया था, जिसकी वजह से कसौली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के नेताओं में खलबली मच गई और एक गुट खुलकर विनोद सुल्तानपुर के खिलाफ खड़ा हो गया और सोलन में प्रेस वार्ता कर सुल्तानपुरी पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदेश कांग्रेस सचिव विनोद सुल्तानपुरी ने कसौली निर्वाचन क्षेत्र में हुई नियुक्तियों पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया था, जिसकी वजह से कसौली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के नेताओं में खलबली मच गई है और एक गुट खुलकर विनोद सुल्तानपुरी के खिलाफ खड़ा हो गए हैं और सोलन में प्रेस वार्ता कर सुल्तानपुरी पर गंभीर आरोप लगाए। ये प्रेस वार्ता प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रमेश चौहान और जिला अध्यक्ष शिव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि विनोद सुल्तानपुरी चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस को कमजोर करने में लगे हैं और भाजपा की कठपुतली बनकर कांग्रेस का पत्ता साफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी की बाप की जागीर नहीं है कि उनकी मर्जी से नियुक्तियां हो, यहाँ कार्यकर्ताओं की मर्जी से नियुक्ति हुई है जो सर्वमान्य है। रमेश चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि विनोद सुल्तानपुरी भाजपा से टिकट के इच्छुक थे, लेकिन जब उन्हें सिरमौर पश्चात से भाजपा का टिकट नहीं मिला तो वे भाजपा के नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस की जड़ें काटने का काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें की कठपुतली बनकर उन्होंने सोनिया गांधी को अपने इस्तीफे की पेशकश की है, जो बेहद निंदनीय है। ऐसे नेता जो प्रदेश में महासचिव है उसे तुरंत अनुशासनहीनता के लिए बर्खास्त कर देना चाहिए। वहीं जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने विनोद सुल्तानपुरी को सलाह दी है कि अगर उन्हें किसी नियुक्ति पर आपत्ति थी तो उन्हें इस बात को लेकर मीडिया में नहीं जाना चाहिए था, बल्कि उन्हें पार्टी स्तर पर अपना विरोध दर्ज करना चाहिए था। वहीं जब इस बारे में सुल्तानपुरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनके DNA में है और कुछ अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रमेश चौहान उम्र दराज एक सीनियर लीडर हैं, लेकिन अपनी बातों से वह सिद्ध कर रहे हैं कि वे प्रवक्ता बनने के लायक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनकी जागीर है और उन्हें जान से भी प्यारी है। मैं साफ शब्द में कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता जो प्रेजेंट सेटअप है कांग्रेस पार्टी का, इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और यही नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी एक जो है वो साजिश है, क्योंकि अभी कुछ जगह पर ये भी चर्चाएं चल रही थी कि जो आज पार्टी से इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं या जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और वो टिकट के दावेदार भी थे, एक साजिश के तहत हो रहा। और ऐसे समय में ये जो है बात इन्होंने उठाई है कि जब हम दो उपचुनावों में जा रहे हैं और सोलन निर्वाचन क्षेत्र पछाड़ में जहां पे उपचुनाव हो रहे हैं वो उसके साथ लगता हुआ जो है एक चुनाव क्षेत्र है, अगर कोई ऐसी कोई शिकायत थी तो उन्हें चाहिए था कि इस बात को पार्टी फोरम के ऊपर उठाते, पार्टी में रह करके इसका समाधान करवाते, इंस्टेड ऑफ के वो जो है वो प्रेस में जाते। हमारे पार्टी के कैंडिडेट शिमला निर्वाचन क्षेत्र से, उन्होंने लिख के दिया कि उन्होंने जो है वो पार्टी एंटी पार्टी काम किया है और हम मांग करते हैं कि उनको जो है वो अनुशासनहीनता को देखते हुए, अनुशासनहीनता को तोड़ते हुए उन्हें जो पार्टी से इमीडिएटली निष्कासित किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय के लिए सभी लोगों को जो है वो एक सबक मिले। और मेरी ओर से एज ए प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते बाकी सभी लोगों से मेरा अनुरोध है प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को कि जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की डायरेक्शन है, कोटली साहब के जिन्होंने जो डायरेक्शन दी है, कोई भी व्यक्ति जो है वो पार्टी मैटर को जो है वो अखबारों में ना उछाले और ना सोशल मीडिया में जाए। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।